यूपी के बुलंदशहर की जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सजा याफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजन जेल में षड्यंत्र के तहत हत्या किया जाने का आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह का खुलासा हो सकेगा। ये तस्वीरें हैं खुर्जा के गांव सोदा हाबीपुर में रहने वाले शिव कुमार की, जिसकी देर रात को बुलंदशहर की जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल वर्ष 1999 में खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में शिव कुमार और उसका भाई जिला जेल में बंद थे और शिव कुमार को सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई थी, जिसे हाई कोर्ट में अपील करने के बाद शिव कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2015 में इसी हत्या के मामले में याचिका खारिज होने पर शिव कुमार को जेल में फिर से बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि देर रात को शिव कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला जेल में ही मौत हो गई। ये जो है 302 के केस में आजीवन कारावास का मुजरिम था, और जैसा कि डिप्टी जेलर साहब से मेरी बात हुई, वो 10-15 दिन से बीमार था और जो अस्पताल है जेल के अंदर उसी में अंडर ट्रीटमेंट था, और रात वो उसकी मृत्यु हो गई। और वो खुर्जा नगर में एक गांव पड़ता है सोना हबीपुर, वहाँ का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 39 वर्ष के करीब है और पंचायतनामा भर के PM के लिए भेजा जा रहा है। उसी से पता पड़ेगा कि किन कारणों से मौत हुई। वैसे ये बीमार नहीं सर, किस तरह की कोई गंभीर बीमारी से किसी से जूझ रहा था या नॉर्मली जैसे तबीयत बिगड़ जाती है आमतौर पर ऐसे? नहीं, इस संबंध में अब PM के वादी कहा जा सकता है। 10 दिन से वो बता रहे हैं कि 10 दिन से बीमार था, तो एक 10 दिन में गंभीर बीमारी नहीं होती है, कोई अचानक ऐसी है, तो उसमें जो है PM के बाद ही पता पड़ेगा कि किस तरह से क्या। अगर इस तरह के मामलों में जो कैदी जेल में बंद होते हैं और अगर वो बीमार होते हैं, तो क्या उनके परिजनों को किसी तरह की सूचना दी जाती है जेल से या फिर नहीं? ये जेल मैनुअल में जो है वो जेलर और जेल सुप्रिटेंडेंट के वो है, वो देते हैं कि नहीं दिए हैं, उन्होंने वैसे देना चाहिए सूचना उनको। तो हालांकि जेल प्रशासन ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक शिव कुमार के परिजनों का दावा है कि एक सप्ताह पूर्व जब मिलाई करने आए थे, जब जेल में शिव कुमार बिल्कुल स्वस्थ थे, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी हत्या हुई है या फिर नहीं। संदीप कुमार के साथ तेज निगाहें के लिए जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की ये रिपोर्ट।